आइए थोड़ी बात क्वेश्चन फ्रेमिंग की कर लें, क्योंकि यह एक ऐसा लेसन है जिसे आपको सीख लेना चाहिए। आमतौर पर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को आप 6 हिस्सा में बांट सकते हैं, जैसे यस नो टाइप क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस, अल्टरनेट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और रिटोरिकल क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन इतने टाइप के होते हैं, तो आइए इनके बारे में एक एक करके समझ लें कि किसमें किस तरह की बात की जाती है। यस नो टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में देना होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं यस नो, यहाँ आप अपना जवाब यस नो में दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे डू यू ड्रिंक अल्कोहल, आप कह सकते हैं यस नो, यानी अगर कोई आपसे कहे क्या तुम शराब पीते हो, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, आप अपना आंसर यस नो में दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे डू यू टेल अ लाई, यानी क्या तुम झूठ बोलते हो, तो आप अपना आंसर यस नो में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिनका आंसर यस नो में दिया जाता है, उसे हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। WH क्वेश्चंस, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आता है वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, how many, how much, how far, how long, यानी इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस तब पूछे जाते हैं जब आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश इसलिए सीखता हूँ क्योंकि इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। यानी आपने यहाँ पर दिया एक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आपसे कहे व्हाई हैव यू बीटन माय ब्रदर, यानी तुमने मेरे भाई को क्यों पीटा है, तो यहाँ आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे भाई को इसलिए पीटा क्योंकि वह मुझे गालियां दे रहा था। यानी जो भी बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन टैग भी कहते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड्स जोड़े जाते हैं जिसका मकसद होता है अपनी बातों को इम्प्रेसिव बनाना और उसे कंफर्म कराना। यानी अपनी बातों को कंफर्म कराने के लिए, यानी पुष्टि कराने के लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे आप चाय पीते हैं ना, यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में बोला गया ना, यह है क्वेश्चन टैग। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे कहेंगे डू यू टेक टी, डोंट यू, यहाँ मैंने बोला डोंट यू, यह है क्वेश्चन टैग। इसे बोलकर मैंने अपने सेंटेंस को कंफर्म किया कि आप ऐसा करते हैं या नहीं। अगर आपको कहना हो कि आप इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू, यानी आप इंग्लिश बोलते हैं ना, यहाँ मैंने सेंटेंस के लास्ट में बोला डोंट यू, ये है क्वेश्चन टैग। इससे सवाल पूछने वाला अपनी बातों को कंफर्म किया या पुष्ट किया। अगर आप क्वेश्चन टैग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने आई के सिंबल में दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अल्टरनेट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो सेंटेंस के लास्ट में और नॉट लगाकर बनाई जाती है, और इस तरह के क्वेश्चन से किसी की चॉइस या अल्टरनेट यानी विकल्प का पता चलता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे आर यू प्लेइंग आर नॉट, यानी तुम खेल रहे हो या नहीं, तो ये एक अल्टरनेट क्वेश्चन है। डू यू स्पीक इंग्लिश और नॉट, ये एक अल्टरनेट क्वेश्चन है। हैज शी अराइव्ड और नॉट, यानी क्या वह आ गई है या नहीं, यह एक अल्टरनेट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि अल्टरनेट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके लास्ट में और नॉट लगाई जाती है, और इस तरीके के क्वेश्चन से किसी इंसान की चॉइस या अल्टरनेट यानी विकल्प का पता चलता है। आइए अब सीखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। कई बार आप किसी से कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ, तो सामने वाला आपसे कहता है व्हाई, तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन व्हाई शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है। अगर किसी ने आपसे कहा आई एम गोइंग टू सेल माई लैपटॉप, और आप उसकी बात सुनकर कह रहे हैं व्हेन, यानी कब, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया व्हेन शॉर्ट क्वेश्चंस कहलाता है। तो जब कभी भी कोई आदमी आपसे कोई बात कहे और आप उसे क्वेश्चन पूछते हुए ये कहते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। आइए अब लास्ट में देखते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर सभी को पता होता है, बस अपनी बातों को क्वेश्चन में कहकर इम्प्रेस अपॉन करना होता है, यानी एक इम्प्रेशन बनाना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अमिताभ को कौन नहीं जानता है, हु डजंट नो अबाउट अमिताभ,
तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को पता है, यानी सब अमिताभ को जानते हैं। यह मैं अपनी बातों को क्वेश्चन में कहकर लोगों को इम्प्रेस अपॉन किया, यानी एक अच्छा इम्प्रेशन या प्रभाव बनाया। अगर आपको कहना हो कि गलती कौन नहीं करता है, यानी हु इज नॉट विदाउट फॉल्ट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, यानी सुनने वाले जानते हैं कि गलती सब करते हैं। बस मैंने अपनी बातों को क्वेश्चन में बोलकर लोगों को इम्प्रेस किया। अगर मैं कहूँ धोनी को कौन नहीं जानता है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको पता है। मैंने इस बात को क्वेश्चन के शक्ल में बोला ताकि मैं एक इम्प्रेशन बना सकूं। तो इस तरह के क्वेश्चन को रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने सभी बातों को समझा कि यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या है, WH क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन टैग्स क्या है, अल्टरनेट क्वेश्चंस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है और रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं।